सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेस एंड पता है आज हम एक दावा खेलने वाले हैं क्योंकि हमारे कल एक इंस्पेक्टर से बात हुई है जिन्होंने कहा है कि 0 डिग्री यहाँ पे एक जगह है जहाँ से आपको आपकी गाड़ी का परमिट मिल जाएगा. सो लेट्स सी कि मिलता है कि नहीं मिलता. दिस गो ऑलरेडी अभी 9:30 हो रहे हैं एंड ऑलरेडी मैंने आयुष को गुड बाय कर दिया है. सो इट्स गोना टेक टाइम अभी एंड सी लेट्स होप फॉर द बेस्ट बिकॉज हमारी बात पुलिस से हुई थी ना, मतलब मिलिट्री से भी हुई थी कि परमिट को लेके. लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट. एंड हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज साक्षी रंजन. आई नो कल का व्लॉग लेट हो गया पोस्ट होने में बिकॉज नेट के थोड़े से इश्यूज थे. लेट्स जस्ट गेट बैक टू आवर ट्रैवल व्लॉग्स. एंड अगर नथुरा ब्लास्ट का व्लॉग मिल गया, आई मीन परमिट मिल गया, इट्स गोना बी इनक्रेडिबल डे फॉर अस. लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट. जगह के बारे में गलत नहीं सोचती ना बोलती, मगर यू नो लुक एट दिस मैन, ही वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि टू हिम, मतलब इससे कितने बुरे तरीके से बात कर रहा था राकेश से कि यार फोन पे लग के गाड़ी चला रहे हो, दिल्ली की गाड़ी घूम रही है. हमारी दिल्ली की सिर्फ एक ही गाड़ी सिक्किम में, और लोग यहाँ पे प्राइवेट गाड़ी लाना प्रेफर नहीं करते जस्ट बिकॉज यहाँ पे प्राइवेट गाड़ी को बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं दी जाती सिक्किम में. सो नामी, आप पहले ऐसे मतलब ड्राइवर हो जिसने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी है, नहीं तो यहाँ पे ना ड्राइवर्स सच में अच्छे से बात नहीं करते. थैंक यू सो मच सुनामी. वी आर बैक टू दिस प्लेस एंड दिस प्लेस इज अमेजिंग. भैया इस प्लेस को कहते क्या, एक नाम मतलब प्रॉपर नाम बताओ इस जगह का. ये जगह का एरिया का एरिया को तो लोअर सिच्चे बोलते हैं. सिच्चे एरिया लोअर सिच्चे. लोअर सिच्चे ऊपर तक सिच्चे और ये लोअर सिच्चे. अच्छा, और ये जो ये गार्डन है इसका नाम क्या है? ये गार्डन का नाम किच्चू गैचल. किच्चू गैचल. और ये फेमस क्यों है? ये फूल की वजह से, अभी ये फ्लावर्स हो रहा है. अच्छा, जो फ्लावर्स ही जो ये सारे यूनिक फ्लावर्स हैं. हाँ, ये सब बाहर का भी है, इधर का भी है, लोकल भी है. अच्छा, ओके. तो गाइस यहाँ ये जगह ये और मतलब जैसे कि आपको वो पता है कि परमिट्स हमें नहीं मिल पाए हैं, तो हमें कल का परमिट अरेंज कर रहे हैं. और यहाँ पर देख टोटल से यहाँ पर भी है. वही देखो कुछ आने देखे सारे तुम भी भागो, आज मैं आपको यहाँ स्विमिंग पूल भी दिखाऊंगी जिसके चार्जेस 350 रुपीज है. एंड ये टूरिस्ट अट्रैक्शन क्लास की वजह से है. सो गाइस, अगर आप अंदर जा रहे हो तो स्विमर्स की एंट्री है. नो फूड नो डाइविंग अलाउड क्योंकि पूल छोटा सा ही है. यहाँ बच्चे आते हैं बेसिकली पूल. सो ये चेंजिंग रूम है मेल का, वो मेरे से आगे फीमेल का चेंजिंग रूम है. मतलब यहाँ पे चेंजिंग रूम की फैसिलिटीज़ है बट नो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स. यहाँ से सारी स्विमर्स की एंट्री होती है, इसलिए आई एम गोना नॉट शो यू द मच क्योंकि अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया तो डांट पड़ जाएगी. तो फटाफट चलते हैं. एंड दैट इज़ द पूल ओवर हियर, चेक करो. मतलब मुझे अब मन कर रहा है घुसने का, कपड़े में लेकर आई हुई हूँ बट कोई भी नहीं है यार यहाँ पे. सो हम एंटर करें हाउस ऑफ स्कूलेंट्स एंड यहाँ पे पता है बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं. अब यहाँ से एंट्री करोगे और वहाँ से एग्जिट करोगे. अरे फिर से यही वाले प्लांट्स, ये तो मैंने गुजरात में भी देखा था बट इट्स लुक ब्यूटीफुल. कोई बात नहीं, कोई नहीं. हाँ क्या रे, आई एम प्रीटी श्योर ये वाले बाहर से ही हैं. ये साइड आई एम नॉट सीन यहाँ पे. गाइस अगर आपने ये वाले प्लांट्स ने देखे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना. तभी तो 20 रुपए ले रहे हैं. 20 रुपए एंट्री चार्ज है इसका. लेट्स गो आगे बैम्बू ट्रीज वाले एरिया पे. अब कैक्टस तो हमने ऑलरेडी बहुत देख ली है. उसको प्यार हो गया है ये वाला कैक्टस. हम जा रहे हैं बैम्बू ग्रोव. ग्रोव नहीं है ये, गवोव.
वो गवोई एक्चुअली इट्स नॉट ग्रो मिल, बहुत देर से पढ़ने की कोशिश कर रही थी, वो लिखा गया है. सो यू नो मतलब मैं यहाँ आई हूँ ना, तुम रहते तो तुम हो जाओ यार. स्विमिंग पूल बहुत सेक्सी है बट मौसम नहीं है स्विमिंग करने वाला. लुक एट दी वेदर एंड मतलब बहुत वो है. मेरे को लोग पूछ रहे हैं कि मैंने गर्म कपड़े क्यों पहने. पता है यहाँ पे थोड़ा सा ना सर्द गर्म वाला माहौल है, क्योंकि जब धूप आती है तो फिर भी ठीक होता है, जैसे कि सुबह, और अभी मेरे को थोड़ा सा ठंड लग रही थी. बड़ी बहुत सुंदर है बैम्बो गार्डन. मैंने कल का व्लॉग में ना वो शेयर करा है गाइस, बैम्बो का अंदर का पार्ट. सो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेक करना. अभी तो मैं जहाँ स्टे करने जा रही हूँ, मेरी नेक्स्ट स्टे डेस्टिनेशन जो है, वहाँ पे आपको मैं बैम्बूस ट्री अच्छे से दिखाऊंगी कि मतलब अंदर से बैम्बू कैसा दिखता है, तोड़ तोड़ के काट काट के अच्छे से दिखाऊंगी. कोशिश यही रहेगी. Guys, ये original है. ओये मैं कितना तो आराम से तुम मछली डरा दी. मछली डरा दी मैं. देखो यार इधर देखो, ये लोग सारे के सारे प्लांट्स ही खा रहे हैं. देखो ये प्लांट्स पूरा डेड हो गया, ये खा रहे हैं. अबे ये देख रही है स्पीड टेडपोल्स की. हाँ वो टेडपोल्स ही खा रहे हैं. पता है ये क्या गिराया हुआ किसी ने? ये क्या है? खाते हुए हैं ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं करना चाहिए. सो गाइस ऐसे कि आपको बताया जतुला पास का, तो मतलब ना धुला का तो पास बनाना ही था. कल का मिल रहा है हमें बाइक वाला, तो गाड़ी हमारी यहीं रहेगी. आयुष आयुष लिटरली बहुत अच्छा लड़का, उसका होम स्टे भी बहुत प्यारा होम स्टे, जाकरी फॉल्स होम स्टे. अगर आप स्टे करने के लिए देखो ना ये जगह, मतलब होम स्टे में बजटेड, खाना अच्छा विद ब्रेकफास्ट, ये जगह बहुत प्यारी है. सो अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे, यहाँ का जो लोकल गुरुद्वारा है उसको कवर करने जा रहे हैं. और अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ मतलब जब रोड ट्रिप पर हो सो यू हैव टू बी लाइक यू नो मैनेज एवरीथिंग लाइक वेरी प्रॉपरली, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है. अगर आप गाड़ी की रोड ट्रिप हो तो गाड़ी का टॉवल ज़रूर कैरी करें, क्योंकि अगर आप कुछ खाते हैं तो आप कितना टिश्यू पेपर से कितना वो वेस्ट करोगे. पता है सिक्किम में सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, मतलब यहाँ पे ना प्लास्टिक बहुत कम यूज़ होता है. आपको छोटी पानी की बोतल भी मिलेगी, 5 लीटर की पानी की बोतल मिलेगी. कैसे आए हो आप लोग? कहाँ? कोलकाता से आए हो इतनी दूर? कहाँ पे कहाँ कहाँ से रुक रुक के आए? हम लोग पहले सिलीगुड़ी में रुक गया. सिलीगुड़ी में? हाँ. वाह चलो, मतलब ऑब्वियसली इंस्पिरेशन होते हो और शूट भी कर रहे हो साथ में. चैनल है, क्या नाम है चैनल का? बंजारा बॉय पपाई. अच्छा अच्छा पीछे लिखा. तो गाइस आज की लोकल डेस्टिनेशन स्टेशन गुरुद्वारा क्यों? क्योंकि ये ब्लैक कैट, मतलब बेसिकली ब्लैक कैट क्या है? मिलिट्री बेस, बटालियन. तो ब्लैक कैट देखता है, तो बटालियन के थ्रू ये गुरुद्वारा बना है, इसलिए इसका नाम स्टेशन गुरुद्वारा है. एंड अभी रास्ता वो है, सड़क लेते हैं लो. हम लोगों ने बीच में ब्रेक लिया था जस्ट बिकॉज वी आर अबाउट टू गो टुमारो नथुला पास. एंड चलो चलो. हाँ यही था. कुछ वो नहीं बता रहा. एस्टैब्लिशमेंट 15th August 1982 बाय मार्ज केनवीन एन शर्मा. ओके लेटर जनरल वी एन शर्मा. ओके तुम पढ़ सकते हो किसी भी बिलोंग टू आर्मी बैकग्राउंड. एंड गवर्नर ऑफ सिक्किम 11th April 1992. ओके फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग. लेट्स जस्ट गो इनसाइड. सो गाइस अगर आपको परमिशन हो ना तो आप यहाँ पे गुरुद्वारे में स्टे भी कर सकते हो. जस्ट स्टे एंड यू हैव टू मेक अ मतलब टेक द परमिशन फॉर द स्टे. एंड इसके अलावा अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है. लुक एट द व्यू शाम का यार. चलो यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है ना गंडोक में, रियली यहाँ से खड़े होकर कुछ ज़्यादा ही फील हो रही है मुझको. कितने लोग रहते हैं गंडोक जैसे कि कैपिटल है यहाँ के, यहाँ पर कितने हैं बसे हुए लोग हैं यार. हाँ
खासियत क्या है, यहाँ पे एक भी दारू की बोतल नहीं है और ये कितनी क्लीन रोड है। दारू की बोतल ऐसे गिरी हुई नहीं, मतलब गिरी भी क्या, बेचते भी नहीं है लोग। किसने कहा, कहाँ पर है? एमजी रोड पर, एमजी रोड पे वाइन शॉप है। माय गॉड, तुम्हारा मतलब मुझे ऐसा लगता है लड़कों का ध्यान सबसे पहले जाता है इन सब चीजों पे। सो यू नो, मतलब पर मुझे ना क्लीनलीनेस बहुत दिखी इस रोड पर, मुझे प्लास्टिक यूज भी कम दिखा। मैं सारी दुकानें बंद होने के बाद लोग क्यों टहलते रहते हैं दारू लेने? माय गॉड, डोंट टेल मी दैट। क्यों दिखते हैं इतने? अच्छा, औरतें कम दिखती हैं, दैट्स अ रीजन। ओके, क्योंकि बंद ही हो जाता है, बस हल्का हल्का शटर होता है उसका, एज यूजुअल। हाय, आई वाज हैविंग नो आईडिया अबाउट दिस। सो ठीक है, तो नीचे की तरफ शो। यहाँ पहुँच पता नहीं ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ है। मैं अभी हेयर वॉश में टाइम है, तो यहाँ पे हेयर वॉश के जस्ट मतलब जो जिससे मैंने अपना बालों का काम करा था उसके जस्ट नीचे ये चाट वाले भैया हैं, इसके हम मटका चाट ट्राई करने वाले हैं। जब तक उठाओ, तो यहाँ पे आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, चेक करो। ऐसा लग रहा है यहाँ पे लॉटरी लगी लोगों की, इतने लोग। बाय गॉड, मतलब मैं एमजी रोड ये तीसरी बार आ रही हूँ और आज वीकेंड भी नहीं है, वेडनेसडे है, और फिर भी इतनी भीड़। I was not expecting इतनी भीड़ मिलेगी। अच्छा, ये मटका चाट ये है, ये मैंने वहाँ ट्राई करी हुई है दांडली। मैं तो मैं कह रही हूँ ऐसा कोई चीज़ नहीं जो मैंने खाई ना हो लाइफ में। अरे तुमने तो पता नहीं क्या, और ये इससे तो मुझे वो चाट लगती है। मटका चाट इज नथिंग बट गोलगप्पे के अंदर। क्या अच्छा सा व्यूज डालना, मैं यूट्यूब डालने वाली हूँ। YouTube डालने वाले हैं। वैसे हम खीरे ले रहे हैं यहाँ पे शॉप से, और यहाँ पे केले वगैरह सब कुछ है, बट हमें कल चाहिए सफ़र पे, तो वी आर एक्चुअली बाइंग टू खीरास। पता है सबसे मतलब अच्छी चीज़, यहाँ पे पॉलीथिन्स नहीं है, यहाँ पे लिफाफे हैं। सो कुछ इस टाइप के लिफाफे, राकेश लिफाफा दिखाओ ना, इस टाइप के लिफाफे, पॉलीथिन्स नहीं है यहाँ पे। एंड कल आपकी पैकिंग करनी है अभी, क्योंकि हम बाइक पर जाने वाले हैं। इट्स गोना रियली एक्साइटिंग ट्रिप, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। सिक्किम में वैरायटी ऑफ ट्रीज है, क्योंकि आपको पता है शाम में चाय पत्ती होती है, तो आई गेस ये उसके करीब पड़ता है इस वजह से। यहाँ पे पूरा टी सेट, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्क्स। आपका खुद का है चाय का? तो मतलब सिक्किम में ही? अच्छा, तो दार्जिलिंग में है या यहीं पर है? दार्जिलिंग में भी, यहाँ पे भी है। अच्छा, हम ना स्टे चेंज कर रहे थे, बट यू नो वी हैव चेंज आवर प्लान। हम कल वापस जाखरी चले जाएंगे जो होम स्टे, क्योंकि हम ऊपर जाने लगे थे, बट द थिंग इज द लुक एट दिस रोड, इट्स नॉट एक्चुअली वर्थ कि हम ऊपर जाएं रात के वक्त। बादल यार, मतलब मुझे उसमें आ रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा, हाँ रोड पे कुछ भी नहीं दिख रहा। इट्स रियली टफ टू ड्राइव दिस टाइम पे, और अभी टाइम ज़्यादा भी नहीं है। So guys, आज रात को हम रुके हैं इस होटल के साथ, होटल पैरासोल इन, मतलब इनका भी नया प्रॉपर्टी खुली है। जस्ट बिकॉज पता है आज क्या हुआ, आज हमारा जी जी के साथ ना स्टे जो चेंज होने वाला था, बट द थिंग इज कि हम लोग ने ऊपर इसलिए नहीं गए क्योंकि पूरे रास्ते बादल थे, पूरे रास्ते बादल थे, तो इस वजह से मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, ऊपर गाड़ियाँ जा भी नहीं थी इस टाइम पे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। बट वो स्टे बहुत प्यारा, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी वो स्टे जो हम चेंज करने वाले थे। प्लस क्या चीज़ रोड ड्राइविंग, मतलब अगर आप रोड ट्रिप जा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफलाइन मैप्स, ऑफलाइन मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मस्ट बी देयर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है नेटवर्क ही नहीं होता, आपको कहाँ पहुँचना होता है, वो लोग नहीं दिखते, आप परेशान हो जाते हो, ऑफलाइन मैप्स शुड बी देयर। ठीक है, अभी हम मेरे को आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है, नथुला पास। हम कल नथुला पास जा रहे हैं, क्या क्या परमिट्स के लिए नीड पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फोटोग्राफ, ठीक है, और आपके नाम पे अगर व्हीकल है तो आप खुद का व्हीकल लेके जा सकते हो, अगर आपके नाम पे व्हीकल नहीं है तो फिर आपको सिक्किम की व्हीकल लेना पड़ेगा। बाइक्स पड़ जाएंगी आपको 1300 से लेकर
2600 तक, डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हो क्योंकि यहाँ के रेट्स डिफरेंट हैं। और फिर आपको पेट्रोल 1000 का पड़ेगा क्योंकि नथुला पास दूर नहीं है, 1000-1200 कल बताऊंगी पेट्रोल मेरा कितना लगा बाइक में। और फिर परमिट के अराउंड वही 1000 अगेन 1100 रुपये, क्योंकि यहाँ पे लोग मतलब परमिट के आपके ऊपर चार्ज करेंगे क्योंकि उनके खुद के लोग जाएंगे। और अगर खुद का खुद परमिट लेने जा रहे हो तो देर इज अ प्लेस यहाँ पे आपको खुद का हॉर्टिकल्चर है, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मेन रोड पे हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के पास ही आपका परमिट का ऑफिस है जहाँ से आपको नथुला पास और आपको बाकी जगह का परमिट मिल सकता है जैसे कि नॉर्थ सिक्किम का। सो गाइस लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक।